गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली आज मैंने एक फंक्शन पे जाना है तो मैं आपके साथ गेट रेडी विद मी शूट करने जा रही हूँ। दिस इज माय फर्स्ट गेट रेडी विद यू। तो ये मैं एक्चुअली चिटचैट वीडियो शूट कर रही हूँ, एक्चुअली लेट हो रही हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, इजी सा मेकअप करूंगी, ज्यादा बोलूंगी भी नहीं वीडियो में फटाफट से। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा खराब है जिसकी वजह से मैं थोड़ा कम बोलूंगी वीडियो में, और आपको पर आपको पता चल जाएगा मैं जो जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैंने रोजिप टोनर यूज करा था गुड वाइब्स का, देन आई एम गोइंग टू यूज कप्स एंड लैशेस का ग्लो सीरम। एक्चुअली गाइस मैंने कोई सेटअप नहीं करा है, ये मैंने जस्ट फटाफट से ऐसे अपना कैमरा सेट करके, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सामान हटाओ वन बैठो, ये जस्ट मैं सीरम अप्लाई कर लिया। सीरम के बाद तो गई, जैसे कि मैंने बाहर जाना है तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन मैं यूज करने जा रही हूँ कलाबार का, ये मेरा अब तक का सबसे दी बेस्ट सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन अप्लाई कर लूंगी और ट्राई करो नेक वगैरह पे भी अप्लाई करो, अपनी आर्म्स पे भी अप्लाई कर लो। तो गाइस लेंस वियर कर लिए हैं, एक्चुअली भूल गई थी। होता ये है कि जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है लेंस, अदरवाइज मैं लगाती हूँ हार्डली एक या दो मिनट में लग जाते हैं, मतलब दो मिनट भी ज्यादा है। अब मुझे 15 मिनट हो गए हैं लेंस लगाते हुए और अब देखो अभी भी मेरी आईज का बुरा हाल हो गया। पहले मैं सोचा छोड़ देती हूँ लगाना, बट मैंने सोचा नहीं यार लगाऊंगी। उसके बाद हम गोइंग टू यूज स्विस ब्यूटी का रियल बेस प्राइमर। सनस्क्रीन जैसे कि बता आपको मैंने लगा लिया था, ये प्राइमर अगर आप लेना चाहते हो आप ले लो, लाइक जिनकी ड्राई स्किन है। वैसे तो मेरी ऑयली है, मैं लगाती हूँ, ऑयली वाले भी लगा सकते हैं। इसके साथ आपकी स्किन पे बहुत अच्छी एक हाइड्रेशन सी मिल जाती है आपको, और एक बहुत अच्छी ड्यूइनेस आ जाती है आपकी स्किन में। और इसके बाद जब आप मेकअप लगाते हो ना गाइस, ट्रस्ट में इतना अच्छा बेस लगता है आपका, इतना अच्छा स्किन लगता है। मैं फाउंडेशन के लिए यूज करने जा रही हूँ सुपर स्टे एंड फिट मी मिक्स करके यूज करती हूँ। सुपर स्टे का 128 नंबर है और फिट मी का 115 है। एक्चुअली 115 मेरी स्किन के लिए बहुत लाइटर शेड है, ये मैंने ले लिया था, तो इसको हल्का सा लाइटर करने के लिए ही मैं इसमें 128 शेड मिक्स करती हूँ, अदरवाइज मेरा एग्जैक्ट मैच 120 है। दोनों की मैंने 1-1 ड्रॉप ले ली है अच्छे से मिक्स करके। क्वांटिटी में कम लगाऊंगी, डे टाइम फंक्शन है तो ये नहीं है कि स्किन पे ज्यादा फाउंडेशन चमके। कप्स एंड लैशेस से फाउंडेशन ब्रश के साथ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस मैं कोई मिरर नहीं देख रही हूँ, मैं जस्ट फोन पे मुझे जो कैमरा में दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुको, हाँ मिरर ले लिया। अगर आप चाहो तो अकेला लाइक फिट मी फाउंडेशन भी अकेला यूज कर लो, ये तो मेरा शेड एक्चुअली प्रॉपर मैच नहीं है इसलिए मैं दो शेड मिक्स करके यूज करती हूँ। मेरा गला भी बहुत खराब चल रहा है। एक्चुअली 2-3 दिन पहले भी पार्टी पे गई थी, दिवाली सेलिब्रेशन थी, तो वहां पे मैंने बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली और मेरे गले का बैंड बच गया। तो आप मत पियो, अब मौसम चेंज हो गया है, वेदर चेंजिंग की वजह से हम लोग खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं। और है 02 सैम सिंबल, इसे मैं अपने अंडर आई यूज करूंगी। फोरहेड चिन पे ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई करके ब्लेंड करूंगी। मैं भी जल्दी जल्दी करूँ बट मैं ब्लेंडिंग अच्छे से करूंगी, ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँ तो मैं अपने मेकअप की ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करूंगी, ब्लेंडिंग मैं प्रॉपर अच्छे से ही करूंगी।
क्या उसके लिए मुझे 2-3 मिनट ज्यादा लग जाए। उसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ लॉरियल का कॉम्पैक्ट, दिखा दूँ पहले आपको, लॉरियल का कॉम्पैक्ट यूज करने जा रही हूँ। उसे भी मैं कम ही यूज करूंगी, एक्चुअली विंटर्स आ गई हैं तो स्किन पे ड्राइनेस रहता है। गाइस आगे का मैं बोलूंगी नहीं, एज इट इज ही शूट कर लूंगी। शायद हो सकता है मैं बैक वॉइस रिकॉर्ड कर दूं, अदरवाइज आगे मैं ऐसे ही मेकअप करूँगी। ओके प्लीज समझो मेरा गला बहुत खराब है इसीलिए। एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ। दोनों आईब्रोज इक्वली फिल करके मैं स्विस ब्यूटी का आई शेड पैलेट यूज करने जा रही हूँ। लाइटर शेड लेके सबसे पहले मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। मेकअप के लिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा था, बहुत सिंपल सा मेकअप करा है। क्रीज पे क्या, इवन की मैं पूरी लिड पे इसे अप्लाई कर लूंगी, आउटर पीपी भी अप्लाई करूंगी एंड लिड्स पे भी अप्लाई करूंगी प्रॉपर। दोनों आईज पे अप्लाई करके एक्चुअली 2 शेड्स मिक्स करूंगी। एक मैंने लाइट पीच कलर लिया है, उसके ऊपर मैंने हल्का सा, देखोगे आप, ये पिंक कलर लेके सेम वही क्रीज पे एंड आउटर भी पे अप्लाई करके ना प्रॉपर, लाइक आप लगा लो पीच पिंक इफेक्ट आ जाएगा मेरी आईज पे, क्योंकि मैंने लिपस्टिक भी इसके साथ पीच पिंक ही कैरी करनी है, तो इसलिए मैं अपनी आई के ऊपर हल्का सा पीच पिंक इफेक्ट देना चाहती थी, तो मैंने 2 शेड्स मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है, ये एक्चुअली ये ड्राई हो गया पड़ा पड़ा, बट चलो आज का फंक्शन जैसे कैसे निकल ही गया, मैंने लगा लिया। मैंने अगर ये ज़्यादा लिक्विड ही होता, जैसे नॉर्मली फ्रेश होता है, तो ये फिंगर के साथ अप्लाई करना पड़ना था। अब थोड़ा ठीक हुआ हुआ था तो मैंने विद द एप्लीकेटर, जो उसके बीच में उसका स्पूली जैसा होता है एप्लीकेटर, उसी के साथ कर लिया। फेसिस कैनेडा का कंटूर पैलेट जो आता है 3-in-1, इसका आई थिंक शेड है फ्रेश या ग्लो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फेसिस कैनेडा का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। कंटूर बेसिकली हम जहाँ जहाँ करते हैं प्रॉपर पहले कंटूर करूँगी। एक्चुअली गाइस बहुत जल्दी थी, जल्दी जल्दी भी मैंने करा है, कोई सेटअप नहीं लगाया, कुछ नहीं, एज इट इज ही है। अब आप देख रहे हो कंटूर भी मैं जल्दी जल्दी में कर लूँगी, जहाँ जहाँ यूजली हम कंटूर लगाते हैं। कंटूर के बाद हम ब्लश करेंगे, हाईलाइटर लगाएंगे, जैसे भी हम लगाते हैं सेम पैलेट ही मैं यूज़ करूँगी। गाइज अगर आप ये पैलेट यूज़ करना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो, बस ले लो, आंखें बंद करके ले लो, ये पैलेट बहुत अच्छा, बस आपके पास एक यही पैलेट होएगा ना, आपको कोई हाईलाइटर, आपको कोई कंटूर लेने की, अगर आप लाइक आपका कम्प्लेक्शन मेरे से लेके मीडियम शेड तक है तो आपकी स्किन पे ये बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मीडियम स्किन तक तो बहुत ही अच्छा लगेगा लगा हुआ, मीडियम से जो ऊपर वाले हैं उनकी स्किन के लिए कंटूर अच्छा, लाइक कंटूर तो नहीं जाएगा बट हाँ ब्लश एंड हाईलाइटर पे वर्क कर सकते हो। और पर्पल पे गाइस इस टाइम बहुत अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आपको सारे प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिल जाएंगे। और इसी ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, इसी पैलेट का ब्लशर के बाद मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। डे टाइम फंक्शन था तो मैं ज़्यादा हाईलाइटर नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का सा एक नेचुरल सा इफेक्ट दूंगी, क्योंकि अगर लाइक नाइट टाइम का फंक्शन होता है तो हमें होता है कि चलो थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक अच्छा लगता है, ग्लोई लुक अच्छा लगता है, बट मैंने बिल्कुल नेचुरल सा इफेक्ट दिया हाईलाइटर से। उसके बाद टाइम इतना कम था गाइस, तो लोअर लैश लाइन के लिए भी मैंने उसी ब्रश को पिंच करके लोअर लैश लाइन पे पीच पिंक कलर लगा लिया। लिपस्टिक के लिए ये मियोन की लिपस्टिक है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। एक्चुअली मैं 2 लिप कलर मिक्स करके लगाऊंगी। लिपस्टिक एक्चुअली मुझे लगा कि पीच है बट इसमें ऑरेंज का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था, तो इसीलिए मैंने 2 कलर को मिक्स, एक्चुअली लिपस्टिक बहुत अच्छी है, आई थिंक मैंने 100-150 की रेंज पे लिपस्टिक ली थी, बहुत अच्छी है, मैट इफेक्ट, क्रीमी मैट लिपस्टिक है। उसके ऊपर गाइस ये मैं मेबलिन का
शेड यूज़ कर रही हूँ डेलिकेट, आई थिंक डेलिकेट है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने वो मियोन के लिपस्टिक के ऊपर ये पिंक देख के ना हल्का सा पीची पिंक इफेक्ट आ गया। ये मैंने मेकअप फिक्सर NYB का यूज़ किया है, डूई मेकअप फिक्सर है गाइस। ये मेकअप फिक्सर यूज़ करके देखो बेस्ट है। मस्कारा जैसे कि भूल गई थी, एक्चुअली मेकअप प्रोडक्ट जो जो लगाने के लिए लेके आई थी ना वो तो मैं ले थी, मस्कारा रखना ही भूल गई थी। तो मैं कब से अपने बेटे को भी बोल रही थी मेरा मस्कारा ले आ, मेरे को दे दे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, तो बस मस्कारा रह गया था। मैं आज लैशेस तो नहीं लगाऊंगी, मुझे खांसी भी हो रही है बीच में ही, देखो मेरे बहुत बुरा हाल हुआ हुआ गले का। आप देखोगे लाइक लैशेस की नीड भी नहीं है, मस्कारे का इफेक्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने इयररिंग्स पेयर कर ली हैं ये वाले साथ में, और मैंने कुछ भी नहीं डालना, जस्ट हेयर्स को मैंने बहुत सिंपल रखा है। बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।